गाइस आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नए वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि एनिलिंग ऑफ कॉर्नेट कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी हमारे पार्टिंग चैम्बर में पार्टिंग ट्रे ड्राई हो चुकी है। हम पार्टिंग ट्रे को लेके हम कैपेबल एनिलिंग फर्नेस में डालेंगे। तो अभी चलो करते हैं। ये एनिलिंग पार्टिंग ट्रे को यहाँ से हम निकाल रहे हैं। गाइस देखो ये पार्टिंग ऐसी पार्टिंग ट्रे को हमने निकाल लिया है पार्टिंग चैम्बर से। अब हम इसको लेके जा रहे हैं एनिलिंग फर्नेस की तरफ से। एनिलिंग फर्नेस को खोल दिया गया है। ये देखिए एनिलिंग फर्नेस को खोल दिया गया है। अब ट्रे को ऐसे रख दिया जाएगा। ये देखिए ये पार्टी ट्रे को रख दिया गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए इसके अंदर रखेंगे हम। ये हमारा पार्टी ये हमारे पार्टी ट्रे को इसमें रख दिया गया है। एनिलिंग का टाइम हमारा 5 मिनट के लिए। ये बोर्ड पे टाइम लिख दिया जाएगा। ये बोर्ड पे टाइम लिख रहा है। राइट किया हम टाइम लिख चुका होगा। अब तो देखो हमारे ये लास्ट प्रोसेस था हमारा सिंक का सारे सिंक बोल्ट का। ये देखो हमने क्या क्या प्रोसेस किया। हमने पहले हमने मेल्टिंग ऑफ बोल्ट किया था 4 बजे से शुरू किया था हमारा। अभी 9:30 बज गए। 5 घंटे लग गए इसमें हमारे एसिंग के प्रोसेस में। तो मेल्टिंग ऑफ गोल्ड हो गया, एब्लेशन कर लिया हमने, एनिलिंग ऑफ बटन कर लिया, एनिलिंग ऑफ स्किप कर लिया, पार्टिंग 1 पार्टिंग 2 कर दिया। अब लास्ट प्रोसेस हमारा एनिलिंग ऑफ कॉर्नेट चल रहा है। एनिलिंग ऑफ कॉर्नेट के लिए हमारा 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये बोर्ड पर हमारी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारा 6 स्टेप में हमारा गोल्ड का टेस्टिंग कम्प्लीट हो जाती है। एनिलिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ गोल्ड पहला है, एब्लेशन दूसरा प्रोसेस है, एनिलिंग ऑफ बटन तीसरा प्रोसेस है, एनिलिंग ऑफ स्टिक नेक्स्ट प्रोसेस है, पार्टिंग 1 पार्टिंग 2 फिर एनिलिंग ऑफ कॉर्नेट। एनिलिंग ऑफ कॉर्नेट हमारा लास्ट प्रोसेस चल रहा है हमारा। ये क्या है एनिलिंग फर्नेस में किया जा रहा है। इस प्रोसेस के बाद हमारा लास्ट प्रोसेस आएगा वेइंग का प्रोसेस और कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एंड कैलकुलेशन ऑफ प्योरिटी। तो गाइस ये 5 मिनट का प्रोसेस है। ये हमारा सारा पार्टिंग ये लैब देख सकते हो। ये हमारा एनिलिंग फर्नेस है, ये हमारी मेल्टिंग फर्नेस है, ये हमारा स्क्रबर है, ये स्क्रबर चल रहा है, और ये हमारा पार्टिंग चैम्बर फॉर सिल्वर, ये पार्टिंग चैम्बर फॉर गोल्ड है। ये हमारा इधर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन भी रखा हुआ है। ये देखिए गाइस ये हमारा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और ये हमारा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये गाइस हमारा ये रिएजेंट बॉटल में हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रखा हुआ है, काफ़ी अच्छी बॉटल है। तो ये हमारा प्रोडक्ट पीला है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसमें से हमारे फ्यूम थोड़ा इसको बोल देते हैं तो ये फ्यूम बाहर हो जाएंगे। हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ये सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ा ये येलो फ्यूम्स हैं, फ्यूम इसके बाहर थोड़ा चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये गाइस हमारा एनिलिंग का प्रोसेस चल रहा है हमारा एनिलिंग फर्नेस में। अभी टेम्परेचर एनिलिंग फर्नेस का 710 डिग्री है। एनिलिंग का टेम्परेचर हमारा 700 से 750 डिग्री पे हम एनिलिंग कर सकते हैं। तो गाइस हमारा एनिलिंग का प्रोसेस जारी है। इस प्रोसेस में हमारा 5 मिनट का प्रोसेस है। तो ये गोल्ड एसेइंग का लास्ट प्रोसेस है गाइस। तो 5 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे, एनिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा वेइंग का प्रोसेस चलेगा। तो ये गाइस हमारा एनिलिंग का प्रोसेस चल रहा है। एनिलिंग हम क्या है, जैसे हमारा एनिलिंग ऑफ क्वांटिटी इसलिए करते हैं, हमारा पार्ट ड्राई करने के बाद हमारा गोल्ड का कलर था ब्लैक। अब अभी हम एनिलिंग करने पे हमारा उसका जो क्रिस्टल लैटिस होता है सेंटर फेस क्यूबिक लैटिस उसमें आ जाता है, इसलिए हमारा गोल्ड का कलर चेंज हो जाता है। तो गाइस ये अब हमारा लास्ट प्रोसेस हमारा वीडियो का। तो गाइस ये अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा टेस्टिंग का लास्ट प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एनिलिंग ऑफ कॉर्नेट। एनिलिंग ऑफ कॉर्नेट जारी है, इसमें 5 मिनट का टाइम लगता है। एनिलिंग ऑफ कॉर्नेट का हम कलर चेंज करने के लिए चलते हैं गोल्ड का क्रिस्टल लैटिस, जो सेंटर फेस क्यूबिक लैटिस होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर गोल्ड का, वो रिफॉर्म हो जाता है। तो और हमारा ये एसेइंग का लास्ट प्रोसेस था। इसके बाद हम वेइंग का प्रोसेस करेंगे।
तो ऐसे ही इनका प्रोसेस है, उसमें 5 से 6 घंटे तक लगते हैं। तो गाइस ये हमें हमारा हो गया, अभी 1 मिनट बचा हुआ है एनिलिंग ऑफ कॉर्नेट में। तो गाइस 1 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे और इसको क्या है सैंपल को वे करेंगे, फिर इसका आपका डेल्टा कैलकुलेट करेंगे और प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। गाइस मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और जेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है अजीत प्रताप यादव के नाम से, आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा ये गोल्ड का एनिलिंग का प्रोसेस एनिलिंग फर्नेस में चल रहा है, ये लाइट फर्नेस की ऑन है, हीटिंग ऑन है, अभी हमारा टेम्परेचर अटेंड हो गया है इसलिए हीटिंग बंद हो गई, अभी मेंस ऑन है गाइस। तो हमारा ये एसिंग का लास्ट प्रोसेस चल रहा है गाइस, अभी हमारा टाइम एनिलिंग फर्नेस टाइम होगा, हम इसको एनिलिंग फर्नेस से निकालेंगे। ये एनिलिंग फर्नेस खुल चुकी है, अभी देखिए एनिलिंग फर्नेस खुल चुकी है, हो गए निकालो, ये एम्प्रे को हम निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, ये हमारा गोल्ड टेस्ट होके आ चुका है, ये देखिए गाइस हमारा गोल्ड जो फॉर्म में हमने लिया था उसी फॉर्म में आ चुका है, ये देखिए। अब हम इस गोल्ड को निकाल लेंगे, आप निकालो कटोरी को, 1 नंबर ये था। तो गाइस हाँ कोई बात, गाइस ये हमारा कॉर्नेट निकल चुका है, कर लिया है। एनिलिंग कॉर्नेट हो चुकी है, अब हम बेइंग करेंगे। चलो बेइंग करो, ट्रे को रखो।